हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो बायोलॉजी फॉर आरआरबी जेई सीरीज़ है, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। ब्लड ग्रुप कैसे देखा जाता है, वो पेरेंट्स से बच्चों का ऑफ स्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी हमने देख लिया है। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पहला जो टॉपिक है हमारा, वो मेन टॉपिक है, वो है हार्ट। ये जो वीडियोस देख रहे हैं उनका ये टूटा बहुत बार होगा, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। जो वेट होता है, वेट ऑफ हार्ट, जो दिल का वेट होता है, वजन, अगर कोई उसमें समाया है तो बहुत ज़्यादा होता है, पर इन जनरल 300 ग्राम्स के आसपास होता है। 300 ग्राम्स के आसपास इसका वेट होता है। कलर जो होता है वो लाइट पिंक होता है। देखिए, वेट की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ एक यहाँ पे की पॉइंट लिख देता हूँ जो कि कुछ एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि हैवीएस्ट ऑर्गन, हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपका जवाब तब आएगा स्किन। याद रखिए, स्किन होती है वो। अगर वो आपसे पूछे हैवीएस्ट ऑर्गन इंटरनल, इंटरनल अगर पूछे वो, अगर हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, अगर वो इंटरनल ऑर्गन की बात करे आपसे, तो इंटरनल ऑर्गन में होता है लीवर। याद रखिएगा, अगर वो सिंपली पूछ रहा है हैवीएस्ट ऑर्गन आपका बॉडी का, तो वो लीवर नहीं होगा, तो वो होगा स्किन। या वो स्पेसिफिक पूछ रहा है कि इंटरनल ऑर्गन में सबसे हैवी कौन है, तब आप लीवर टिक करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो हार्ट होता है वो, जो दिल आपका है, हार्ट जो है आपका, वो उसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो चैम्बर्स इन हार्ट, ओके, तो चैम्बर्स इन हार्ट कितने होंगे? अलग अलग केसेस में हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फिश के कितने चैम्बर होते हैं दिल में? तो फिश के होते हैं 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर। एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियंस मतलब जो जमीन और पानी में रहते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो फ्रॉग, तो इनके होते हैं 3 चैम्बर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ रेप्टाइल्स या मैमल्स, या बर्ड्स, तो इनके 4 चैम्बर होते हैं। और एक स्पेसिफिक, और अगर मैं वेल बोलूँ, वेल अगर मैं पूछूँ आपसे, तो वेल के कितने होंगे? तो वेल की भी 4 चैम्बर होते हैं। वेल के भी 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि वेल खुद एक मैमल ही तो है। ये तो आपको पता है ना, वेल इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल। वेल जो होती है वो मैमल होती है, मछली नहीं होती, मैमल होती है वो, ब्लू वेल। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कॉकरोच के कितने होते हैं, कॉकरोच के, वो होते हैं 13 होते हैं कॉकरोच में। और ह्यूमन में कितने होते हैं? ह्यूमन में, तो ह्यूमन भी तो एक प्रकार से एक तरह का मैमल है ना, तो उसके 4 ही होंगे, मैमल है तो 4 ही होंगे। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? देखिए, थोड़ा सा लॉजिक आप सोचिए, जो फिश है वो पानी में रहती, तो 2,
जब पानी और ज़मीन के बीच की बात हो गई तो तीन, जब प्रॉपरली ज़मीन में आप चले गए रेप्टाइल्स, मैमल या बर्ड्स जो प्रॉपर ज़मीन पर रहते हैं तो उनके चार चैम्बर होते हैं। कॉकरोच स्पेसिफिक केस है जिसके 13 होते हैं। वेल फिश नहीं होती, वेल खुद एक मैमल है तो उसके चार होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक चैम्बर्स ऑफ हार्ट में। अब देखिए लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ होता है, लोकेशन ऑफ हार्ट अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका दिल होता है वो एक्चुअली होता किस साइड है। तो देखिए ये होता है बिटवीन, जो आपके लंग्स होते हैं ना उसके बीच में होता है, लंग्स में जो आपके दो लंग्स होते हैं फेफड़े उसके बीच में होता है। और अगर स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो वो होता है लोअर मीडियास्टिनम में, मीडियास्टिनम में। देखिए क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए अगर ये आपका वो बॉडी का स्ट्रक्चर है तो मान लीजिए ये जो बीच ये गैप है, ठीक है, इधर ये लंग्स हो गए, इधर लंग्स का एरिया हो गया, ये आपका लंग्स का एरिया हो गया, तो इसका जो ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है इसको, इस गैप को हम बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम या कैविटी होती है, ये गैप कैविटी जैसी होती है, खाली स्पेस, तो इसके लोअर पोर्शन पे, ठीक है, ये है आपका हार्ट। तो इसलिए मीडियास्टिनम एक कैविटी होती है, तो उसमें लोअर मीडियास्टिनम पे आपका लोकेशन ऑफ हार्ट होता है। तो देख लीजिए ये दिख रहा है कि लोअर मीडियास्टिनम, लोअर मीडियास्टिनम में लोकेशन ऑफ हार्ट होता है। दिल कहाँ आपका होता है, मीडियास्टिनम के लोअर पोर्शन पे, बिटवीन लंग्स, ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए, अब आपका जो दिल है वो बड़ा कीमती है, किसी को भी देना नहीं रहता, सो उसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट के लिए क्या होता है। देखिए एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट दिल, ठीक है, ये तो इसको हम बोलते हैं पेरी कार्डियम मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि यार ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन टर्म मैं याद कैसे करूं, इसको मेरे को समझना है ना, तो मैं कैसे याद करूं। तो जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, आप याद करिए कार्डियो, कार्डी, कार्डियम आ रहा है, कार्डियम। तो स्टडी ऑफ दिल की स्टडी को हम क्या कहते थे, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो पेरिकार्डियम, उस कार्डियम जैसा ही कुछ होगा ना, पेरिकार्डियम ही तो होगा ना, तो इसलिए जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके दिल को। देखिए ये इसका काम क्या होता है, टू अवॉइड, ये मेम्ब्रेन की हेल्प, क्योंकि देखो दिल जो है वो धड़क रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, तो मूवमेंट है, मोशन, तो फ्रिक्शन आ सकता है, तो इसीलिए टू अवॉइड फ्रिक्शन इन हार्ट पेरी कार्डियम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो टोटल बल्ब इन हार्ट, तो कितने बल्ब होते हैं दिल में, चार। देखिए बल्ब मतलब होता है एक छोटी सी ओपनिंग, ओपनिंग होती है। अब मैं कैसे, देखिए ये जो दिल है आपका, पहले ये समझिए,
मैंने पहले ही बता दी थी, इसमें चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये अपर वाला पोर्शन, तो अपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं अट्रियम, अट्रियम। ऊपर वाले पोर्शन को हम ऑट्रियम कहते हैं, दिल के ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको ऑट्रियम कहते हैं, और जो नीचे जो पोर्शन है उसको हम वेंट्रियम कहते हैं। ऑट्रियम और वेंट्रियम, ये देखिए ये दो चीज़ क्लियर हो गई, ऊपर वाले को ऑट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रियम। जो आपका हम दिल का पोर्शन देखते हैं ना, उसमें इसको राइट बोलते हैं, इस ये उस साइड होती है राइट, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर हम एक मानव शरीर में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप ऐसे उल्टे खड़े होंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ कि लेफ्ट राइट में होता है और राइट लेफ्ट में होता है, ऑब्वियस सी बात है ये। तो इसलिए अब ये राइट साइड है, तो ऊपर वाले को राइट ऑट्रियम और नीचे वाले को राइट, क्योंकि राइट साइड है और नीचे वाले को हम वेंट्रियम बोलते हैं, तो राइट वेंट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम और इधर ही ये लेफ्ट वेंट्रियल, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ ना, वो बल्ब होते हैं यहाँ पे, देखिए दो बल्ब यहाँ पे, ये कुछ नहीं होते, ये बल्ब एक होती है, एक पोर्ट जैसा आप समझ लीजिए, यहाँ से ब्लड ऊपर और नीचे, मतलब ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे, ठीक है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे बल्ब ओपन या क्लोज हो सकता है, तो ब्लड जो मूव कर सकता है ना वो इसी बल्ब से करता है, ठीक है। अब देखिए जो राइट पार्ट है दिल का, राइट पार्ट ऑफ हार्ट हैव इम्प्योर ब्लड, पहले इस चीज को समझिए। इम्प्योर मतलब होता है क्या, गंदा खून नहीं, वो ब्लड जिसमें CO2 हो, ऑक्सीजन ना हो, उसको हम इम्प्योर बोलते हैं। तो जो राइट पार्ट है, मैं राइट वेंट्रियम में ऑट्रियम नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल राइट बोल रहा हूं, मतलब राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। तो राइट साइड मीन्स क्या होगा, राइट ऑट्रियम भी और राइट वेंट्रियम भी, दोनों में कौन सा ब्लड टाइप का होगा, इम्प्योर ब्लड। उसी तरह लेफ्ट पार्ट जो होगा हार्ट में हैव प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब होता है ब्लड प्लस O2, इसका मतलब होता है लेफ्ट ऑट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रियम, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको यह आप बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड मानते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है उसको इम्प्योर से प्योर कौन करता है, तो उसका आंसर है वो करता है लंग्स। मतलब इम्प्योर से प्योर मीन्स प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, लंग्स करता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड करता है लंग्स। अब आप खुद ही समझिए, लंग्स के पास ही तो एयर जाती है ना, तो मतलब ऑक्सीजन जाता होगा, तो अगर ब्लड में हमको ऑक्सीजन चाहिए तो वो लंग्स से ही तो लेगा ना, और ऑक्सीजन आने से वो प्योर माना जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आएगा, फेफड़ों से, क्योंकि जो सांस लेते हैं वो तो लंग्स में होती है ना, तो ऑक्सीजन जो होगा वो आपके लंग्स में आता होगा, तो वहीं से तो आपके खून को आपको ऑक्सीजन देना होगा ना, तो इसलिए प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड हम लंग्स से करते हैं। अब दिल का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड ओनली, इसमें कोई नहीं रहता, आपके हार्ट का एक ही काम है, वर्क क्या है, हार्ट का से दिल का एक ही काम है, पंपिंग ऑफ ब्लड ओनली,
ये पंप का एक काम करता है, इसमें कोई नहीं रहता, कोई यादें नहीं रहती, इसका काम सिर्फ खून को पंप करना है, ठीक है। अब प्योरीफिकेशन के बाद एक डाउट और आता है कि सर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, मीन्स छानने वाली बात हो गई है, छन्नी जैसा, तो छन्नी वाला काम करता है किडनी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस किडनी को हम अलग से पढ़ेंगे जब ऑर्गन्स में, तो मैं इसको डिटेल में आपको और बताऊंगा, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं इसके कंटिन्यूशन में, देखिए कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होती है, मैं पहले वो आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ भी होते हैं उसमें स्टूडेंट बहुत सारे। एक होती है ECG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका काम क्या होता है, ये की करता क्या है, ये पंपिंग रेट ऑफ आपका दिल या हार्ट, मीन्स ये ECG जो होती है वो हार्ट से रिलेटेड होती है, दिल से रिलेटेड होती है ये। एक और आता है EEG, कंफ्यूज करता है एग्जाम में, कई बार ये पूछ देता है और लोगों को समझ ही नहीं आता, ये होता है इलेक्ट्रो एन्सोफेलस ग्राफ। तो ये जो होती है ये ब्रेन के लिए होती है आपके, ECG जो होती है वो दिल के लिए होती है, और EEG जो होती है वो ब्रेन के लिए होती है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला टॉपिक इसी का पोर्शन है जो दिल में आपको पढ़ना है, एक होता है कार्डियक साइकिल, बहुत कॉमन है ये थोड़ा ना आप समझते जाइए, ये प्योरली एक्चुअली साइंस है, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं है। देखिए ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, हर ये चीज़ चेंज होती रहती है, बट ऑन एन एवरेज एक मिनट में आपका जो दिल है वो 72 टाइम्स बीट आती है, उसमें हार्ट बीट जो होती है 72 टाइम्स होती है, मीन्स एक साइकिल को, मतलब कंप्रेस और एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड को एक साइकिल बोलते हैं, तो मींस इसमें 0.8 सेकेंड में एक साइकिल होती है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 60 और 72 को, तो 60 सेकेंड में 72 टाइम्स होगा, तो वन टाइम की साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होगी, सिंपल मैथमेटिक्स से। तो साइकिल मींस क्या होता है, जिसमें हार्ट दबता भी है और खुलता भी है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल आपके। देखिए इस 0.8 सेकेंड में, यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, 0.5 सेकेंड जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स जो दिल है आपका वो दबेगा। अगर आप मुझे बताइए, हार्ट का जो आपके दिल का काम है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है, अगर मैं किसी चीज़ को दबाऊंगा और अगर उसमें मान लीजिए ब्लड है, जैसे दिल में ब्लड है, अगर मैं इसको प्रेस किया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स हार्ट को मैं दबा रहा हूँ, तो दबा रहा हूँ तो जो अंदर होगा लिक्विड वो बाहर निकल जाएगा ना, दिल से वो बाहर निकलेगा ना, क्योंकि दबेगी कोई चीज़ तो प्रेशर से बाहर निकलेगी। मीन्स इसमें क्या होता है, इनसाइड कहाँ के इनसाइड, दिल के, हार्ट के इनसाइड से जो ब्लड है वो आउटसाइड बॉडी जाता है, बॉडी अंदर से बाहर जाता है, अंदर से बाहर, क्योंकि अब दबा रहे हैं ना, प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाना मतलब प्रेशर देना, इसको, इस फिनोमिनन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, दबाने को हम बोलते हैं सिस्टोल, तो देखिए सुकड़ना मतलब सिस्टोल, सा से सुकड़ना, ट्रिक, अगर आप ट्रिक बोल रहे हैं तो सिस्टोल मतलब सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप दबा रहे हैं, तो मींस वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, तो जो आप 120 mm ऑफ HG सुने हैं ना, वो ब्लड प्रेशर, वो दो ब्लड प्रेशर हम पढ़ते हैं, एक जब दिल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो,
कॉन्ट्रैक्शन में 120 mm ऑफ एच जी, ठीक है, 120 mm ऑफ एच जी। देखिए जो ये, देखिए दिल से जो हार्ट है जो वहाँ से बॉडी में अगर कभी भी जाएगा, आप खुद सोचिए, अगर दिल से पूरी बॉडी में अगर कोई चीज़ ब्लड फ्लो हो रही होगी तो वो प्योर होगी कि इम्प्योर होगी, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। अगर दिल से पूरे बॉडी में कोई जाएगी तो वो ऑब्वियसली प्योर ब्लड जाएगी, ऑब्वियसली प्योर ब्लड जाएगी। और जो प्योर ब्लड है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आर्टरीज। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये वाला, क्योंकि दिल से बॉडी में जा रही है, पूरे बॉडी में प्योर ब्लड जाना चाहिए ना, तो इसलिए जब हार्ट से बॉडी में जाती है तो वो प्योर ब्लड है, तो उसको हम आर्टरीज, ये किसके द्वारा होगी? बाय आर्टरीज। इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लास्ट में लिखवाऊंगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कंक्लूजन भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के आसपास होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, एक्सपांड होगा यहाँ पे। एक्सपांड मतलब होता है कि जब दिल फूलेगा, मतलब बाहर से अंदर कुछ आएगा, तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का, ये ब्लड की बात हो रही है ना यहाँ पे, ब्लड फ्लो। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ब्लड फ्लो होगा, आप खुद बताइए, बॉडी से दिल की तरफ आएगा, बॉडी से हार्ट में आएगा, बॉडी से उसमें आएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइसिस्टोल। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइसिस्टोल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ एच जी होता है लगभग फॉर हेल्दी पर्सन। और ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है इसमें दिल से, दिल अंदर हार्ट में जा रहा है पूरे बॉडी से, तो बॉडी से तो इम्प्योर ब्लड जाना चाहिए, तभी तो दिल में प्योरिफिकेशन होगा वहाँ पे भेज के लंग्स में। तो यहाँ पे किससे होता है? बाय वेंस से, बाय वेंस। अब आप मुझे बताइए कि जब दबेगा तो प्रेशर ज़्यादा होता है 120 mm HG, तो जो आर्टरीज में प्रेशर है, प्रेशर किस में? आर्टरीज में, आर्टरीज में वो ज़्यादा होगा प्रेशर वेंस के, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिख भी रहा है, एक जगह आर्टरीज से जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ 120 mm HG है और एक जगह 80 mm HG है, तो ऑब्वियसली वेंस में प्रेशर कम है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कुछ जगह पे ना ऐसा लिख दिया जाता है तो ये कई बार आंसर ले लेता है, इसलिए मैं ये लाइन लिखा देता हूँ, पर ऐसा ट्रू नहीं, ये चीज़ ट्रू नहीं है, बट आपको अगर इस लेवल के पेपर है जो JEE लेवल के पेपर, वहाँ पे वो यही आंसर लेता है जनरली। तो कलर ऑफ इम्प्योर ब्लड, तो आप उसको पर्पल मानेंगे, और कलर ऑफ प्योर ब्लड तो वो जनरली रेड मानते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक छोटा सा और टॉपिक है इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, आप सिर्फ दो छोटी छोटी चीज़ बस बची है बतानी, फिर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। एक है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जिसको हम जनरली HB बोलते हैं, हम इसको चेक भी कराते हैं। तो इसमें दो चीज़ से बना है ये, एक बना है हेमो और एक बना है ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। हेमो मतलब होता है आयरन, Fe प्लस पिगमेंट, तो ये पिगमेंट भी जो होता है वो आयरन होता है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन का जो रेड कलर भी होता है ना, वो इस पिगमेंट के कारण ही होता है, आयरन के, और ग्लोबिन में होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसको इसीलिए किसको क्या कहता है, इट इज कॉल्ड पिगमेंट प्रोटीन, ऑब्वियसली प्रोटीन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जिसके पास एक पिगमेंट मीन्स कलर होता है
आयरन की कलर रेड कलर, आयरन की कलर रेड कलर। सो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन कहाँ पे होगा? आरबीसी में। इट इज प्रेजेंट इन आर बी सी, इसलिए हमने पढ़ा था ना आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया होता है, और कई बार एनीमिया आयरन की कमी के कारण भी बोला जाता है और बी ट्वेल्व के कारण भी। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जिसमें खुद आयरन होता है, इसलिए आरबीसी की कमी बोली है, आयरन की कमी बोली है, एनीमिया उसका कॉज है, डिसीज है, ठीक है। तो जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का डिटेल हो गया। अब देखिए एक नॉर्मल मेल में फिट बोल लीजिए आप, जनरली एच हीमोग्लोबिन जो होता है वो 14 टू 16 ग्राम होता है पर 100 सीसी ऑफ ब्लड में। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम है ना, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में 14 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है जनरली मेल में। ये आप जब चेक कराने जाते हैं ना तो आप इसी को चेक कराते हैं वहाँ पे। फीमेल में जनरली थोड़ा लेसर हीमोग्लोबिन होता है मेल के कंपेयर में। सिमिलरली 100 सीसी ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एचबी जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो रेडनेस का जो डार्कनेस होगी रेड कलर की उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए जो मेल का कलर है ब्लड का वो ज़्यादा डार्क रेड है देन फीमेल की, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी का, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो इसके कोई भी क्वेश्चंस आए आप उसको धुन के आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये उसके चार चैम्बर्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे दो बल्ब होता है, इधर और इधर। इसको मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, ये ऊपर वाला ऑट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रियम होता है, ऊपर वाला ऑट्रियम, नीचे वाला, ये राइट साइड है इधर वाला, और राइट ऊपर वाला क्या होता है ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम होगा ये, ये राइट ऑट्रियम, और यहाँ पे ये राइट, सॉरी ये लेफ्ट ऑट्रियम, उसी हिसाब से ये राइट वेंट्रियम और ये आपका लेफ्ट वेंट्रियम, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि राइट साइड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड आता है, राइट साइड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड आता है। अब वो कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपकी बॉडी का के अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग जगह है बॉडी, तो बॉडी के अलग अलग जगह से एक कॉमन जो वेंस जाती है वो जाएगी ऐसे ऊपर, ठीक है। ये बॉडी से गई। अब देखिए होता क्या है, बॉडी में ना बहुत छोटी छोटी वेंस होती है, तो वो इम्प्योर ब्लड आपकी बॉडी से इस ये बड़े से एक वेंस में लेके जाती है। इस वेंस का नाम होता है, इस ये जो वेन है इसका नाम होता है वेना काबा। ये क्या नाम होता है इसका, वेना काबा वेंस, ठीक है। तो इससे जो ब्लड है वो ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ये बॉडी से कहाँ जा रहा है, देखिए हार्ट में जा रहा है, दिल में जा रहा है, और दिल में भी स्पेसिफिक में बोलूँ तो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये
राइट ऑट्रियम में ये ब्लड ऐसे गया। अब देखिए, अब राइट ऑट्रियम जब एक टाइम बाद भर जाएगा, जब राइट ऑट्रियम एक टाइम बाद भर जाएगा तो जो ये ब्लड है, ये ब्लड राइट वेंट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। जब राइट ऑट्रियम एक टाइम बाद भर जाएगा तो ये बल्ब खुलेगा और इस बल्ब के थ्रू ये नीचे जाएगा राइट वेंट्रियम में, राइट वेंट्रियम में चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका लंग्स होता है, मैंने आपको बताया था ना लंग्स के बीच में ही होता है ये, तो ये लंग्स है। अब देखिए, ये जो ब्लड है राइट ऑट्रियम में, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, ये क्लियर हो गया आपको, ये इम्प्योर ब्लड है। तो अब इस राइट वेंट्रियम से ये जा रहा है लंग्स में, ठीक है, राइट वेंट्रियम से लंग्स में जा रहा है ये ब्लड, इस तरह से, तो ये जो ब्लड होगा राइट वेंट्रियम से भी जो जाएगा वो इम्प्योर फॉर्म पे जाएगा। तो यहाँ पे जो जाता है ब्लड वो किससे जाता है, वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज से, ये कौन सा, इम्प्योर। अब इधर साइड से यहां से यहां पे ये प्योर होगा, लंग्स क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, सो ये जो होगा ये प्योर ब्लड होगा आपका, ये प्योर ब्लड होगा। तो प्योर ब्लड जिससे जाता है उसको हम बोलते हैं लंग्स से दिल में, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी आप समझ जाइए। फिर ये जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, लेफ्ट साइड में प्योर आता है और राइट साइड में इम्प्योर होता है। जैसे ही ये भर जाता है ये ब्लड नीचे चला जाता है। अब यहां से इस पोर्शन से जो वापस प्योर ब्लड है वो वापस हमारी बॉडी पे चला जाता है, तो ये किससे जाता है, ये जाता है आर्टरीज के ग्रुप से, आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं एरोटा, ठीक है। तो यहाँ तक जो स्टोरी थी ये आपने समझी। अब देखिए, अब मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ वो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब जो मेन इससे हमको कंक्लूजन लेनी है वो क्या है, वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, जो प्योर ब्लड जाता है मोस्टली, मैं मोस्टली क्यों बोल रहा हूँ, वो आर्टरीज से जाता है और इम्प्योर ब्लड मोस्टली वेंस से, क्लियर हो गया, वेंस से जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं लार्जेस्ट वेंस इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट वेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो मैंने आपको बताया है वो है वेना काबा, करेक्ट, वेना काबा। और अगर मैं लार्जेस्ट आर्टरीज बोलूं इन ह्यूमन बॉडी, तो आर्टरीज होता है, आपको मैंने बताया था, ऑर्टा या एरोटा, जैसे भी आपको याद करना आप वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पहला पॉइंट, प्योर ब्लड आर्टरीज, इम्प्योर ब्लड वेंस, लार्जेस्ट वेन क्या होता है, वेना काबा, लार्जेस्ट आर्टरीज ऑर्टा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, ओनली आर्टरीज विच कैरी इम्प्योर ब्लड
पल्मोनरी आर्टरीज। ओनली वेन्स विच कैरी प्योर ब्लड। यहाँ पे उल्टा है हो गई ये चीजें। पल्मोनरी वेन्स, क्लियर हो गया, पल्मोनरी वेन्स। अब एक छोटी सी चीज जो है वो यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बस बता देता हूँ, ताकि जो ओवरऑल चीज है वो आपको समझ जाए कि बॉडी से अगर आपके दिल में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो वो जाता है वेना कावा से। और वो कैसा ब्लड होता है? वो इम्प्योर ब्लड। और अगर आपके दिल से, हार्ट से जा रहा है बॉडी में, हार्ट से जा रहा है बॉडी में, तो वो ऑर्टा जो होता है, एरोटा या ऑर्टा, वो प्योर ब्लड लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा जो स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है आपको, ये यहाँ से बायोलॉजी फॉर आरआरबी जेई से, ये तीनों वीडियोस में मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको मैंने ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं, पेरेंट्स से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट पढ़ लिया, आर्टरीज, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ईसीजी, ईईजी, कार्डिक साइकिल में कैसे हम प्रेशर देखते हैं, मैंने पूरा डिटेल में इसको आपको बता दिया है, हीमोग्लोबिन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड में हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक डिसाइड करेंगे और देखते हैं इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक आपका ब्लड का कंप्लीट हो गया है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।